अक्षर पटेल की गलती कहीं इंडिया को मैच न हरवा दे, भारी मिस्टेक हो गया भाई। अक्षर भाऊ बापू बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। इतनी बड़ी मिस्टेक इसलिए क्योंकि इन्होंने ओलीपॉप का कैच छोड़ा था, वो ओलीपॉप जो कि अब 148 रन बना चुके, शतक लगाया। खैर ओलीपॉप की क्लासिक बैटिंग देखने को मिली, कोई बेसबॉल वाला फंडा नहीं चलाया, एक भी छक्का नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड भैया बेसबॉल खेलिए आप पूरी टीम, मैं नहीं खेल रहा, मुझे प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलने दीजिए। तभी तो बाकी सारे जहां डामाडोल होते नजर आए, वहां पर ओलीपॉप सख्त लौंडे की तरह खड़े नजर आए। 148 बना दिए, शतक लगाया, वो भी किसके खिलाफ? अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, बुमराह, मोहम्मद सिराज, इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ ओलीपॉप का जो शतक आया वाकई में थोड़ा सा ज्यादा मायने रख जाता है। तब आप इसलिए कह रहा हूं ना, बापू बहुत बड़ी गलती कर दी। इंग्लैंड जो कि 190 रन से पीछे थी, वो सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए थे पिछले इनिंग में। उसके बाद क्या करते हैं, एक वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक के सामने अपने करियर का बेस्ट नॉक खेलते हैं। इंडिया के खिलाफ, इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया में शतक लगाना हर किसी के बस की बात नहीं। ओलीपॉप ने वो करके दिखाया, अपनी 5वीं सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट की लगाई, और क्या खास मौके पर लगाई। खैर ऐसा नहीं है कि एशिया में ओलीपॉप का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आप पिछले 7 टेस्ट अगर देखेंगे एशिया में तो ओलीपॉप ने 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए हैं पिछली 7 इनिंग में। 108 पाकिस्तान के अगेंस्ट रावलपिंडी में लगाए थे दिसंबर 2022 में, और 60 फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट मुल्तान में लगाए थे उसी सीरीज में, और 51 लगाए थे कराची के अगेंस्ट, कराची में पाकिस्तान के अगेंस्ट 2022 में। अब 126 और अभी पारी, 148 और अभी पारी चल रही है, अभी पारी चल रही है, इसलिए तो कह रहा हूं थोड़े से ज्यादा खतरनाक है। हैदराबाद में लगा दिए उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट। अब सोचिए अगर अक्षर पटेल वो सिंपल सा कैच पकड़ लेते, ओलीपॉप अगर आउट हो जाते, बेन फॉक्स भी टिके उनके साथ, तो शायद वो भी नहीं टिकते, बिकॉज क्रिकेट में एक कहावत और भी है, एक के साथ दूसरा बड़ी आसानी से मिल जाता है। क्योंकि जब आप एक विकेट का डोर ओपन करते हैं तो उसमें एक के बाद एक ताबड़तोड़ विकेट गिरने शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपने वो मौका नहीं बनाया, आपने वो मौका गवाया, जिसके बाद बेन फॉक्स भी सेटल हुए। हालांकि बेन फॉक्स फिर एक जो बॉल लो रह गई उसके चलते उनका डब्बा गोल हो गया और वो वापस पवेलियन लौट गए, लेकिन अब रेहान अहमद बड़े शानदार टच में नजर आ रहे हैं, वो भी खड़े हैं, और इधर ओलीपॉप तो खड़े हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, वो जिस टच में नजर आ रहे हैं बिल्कुल नहीं लग रहा कि इतनी आसानी से आउट होने वाले हैं। ऐसे में इंडिया को जो बापू से जो गलती हुई है, देखो उसका सबसे अच्छा तरीका तो यही, अक्षर पटेल को आप बॉल दीजिए, वो ओलीपॉप को वापसी भेजें और अपनी जो गलती उनसे हुई है उसको रिडीम करें। क्रिकेट में रिडिम्पशन आपको मिल जाती है अगर आप एज अ बॉलर हैं, आपने कैच छोड़ा, जैसे जसप्रीत बुमराह, जब बेन डकेट उनको विकेट मिलना था बेन डकेट का, लेकिन भारत और रोहित ने रिव्यू नहीं लिया, आके बुमराह ने अगले ओवर में बोल डाल दिया, बोल्ड मार दिया। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ओलीपॉप का विकेट अक्षर पटेल लेके जाएंगे या फिर बापू की गलती इंडिया को भारी पड़ेगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे।